आरोप सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए जांच होगी, इस पर मुझे डाउट है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोयला दिया, प्रधानमंत्री ने बिजली दिया, प्रधानमंत्री ने गैस दिया, सड़क दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सीपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको खुद प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाके भी ठेका दिलवाते हैं, कहीं बांग्लादेश में बिजली का ठेका, कहीं ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग, कहीं श्रीलंका में बिजली का ठेका, जिसकी पैरवी पूरे दुनिया में घूम घूम के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो कैसे जांच कराएंगे? आप देखिए ना, 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक व्यक्ति को कर्जा मिला है। कैसे मिल गया? LIC से, SBI से, पंजाब नेशनल बैंक से। 3 करोड़ लोगों के बराबर की जमा राशि अगर एक व्यक्ति को दे दी जाएगी तो ये सवाल उठेगा, किसको दिया है 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा? जरा बताइए, 84,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ किया गया है, किसका 84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया, जरा नाम लेके बताइए आप भी। 38 फर्जी कंपनियां इसके भाइयों ने बनाई विदेशों में। चैंग चुंग लिंग नाम का एक अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में जो आरोपी व्यक्ति है, उसने मॉरिसस में इसकी कंपनी में पैसा लगाया और वो पैसा रूट होके हिंदुस्तान की इसकी कंपनी में आया। कौन जांच करेगा इसकी? आपके संबंध दुबई के शेखों से, अबू धाबी के शेखों से? नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल पाक साफ हैं, मोदी जी की सरकार बिल्कुल पाक साफ है, तो क्यों नहीं अब तक JPC के लिए अनाउंस किया सरकार ने? क्यों JPC बनाने से भाग रही है सरकार? आप बताइए, अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना भारत पे हमला हो गया संदीप जी? तो कल तो योगी आदित्यनाथ जी ने 1,000 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल किया है उत्तर प्रदेश में अडानी का, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भारत पे हमला कर दिया, उनको पकड़िए फिर। 6,000 रुपए का बिजली का मीटर 10,000 रुपए में दे रहे थे अडानी, इसलिए कैंसिल किया। प्रणंजो गिहा ठाकुरता के आरोप कब लगे संदीप चौधरी जी, मुझे बताइए। वायर ने इनके खिलाफ रिपोर्ट कब दी, जरा मुझे बताइए। रवि नायर ने अपनी रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कब दी, जरा मुझे बताइए। मैंने पार्लियामेंट में इनके करोड़ों रुपए के कर्ज, लाखों करोड़ के कर्ज का मुद्दा कब उठाया, जरा बताइए। 20,000 करोड़ की ड्रग्स इसके पोर्ट पे मिलती है, क्या कार्रवाई हुई अब आज तक, बताइए संदीप जी।